थ्री इडियट्स वाले असली फुनसुक वांगडू क्यों करना चाहते हैं भूख हड़ताल, पीएम मोदी और अमित शाह से सोनम वांगचुक ने क्या गुहार लगाई। फिल्म थ्री इडियट्स को आपने देखा ही होगा, उसमें आमिर खान ने जिन फुनसुक वांगडू का किरदार निभाया था वही फुनसुक वांगडू भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि फुनसुक वांगडू का असल दुनिया में नाम है सोनम वांगचुक, जिन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। ऐसा न होने की स्थिति में उन्होंने 5 दिन का अनशन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गणतंत्र दिवस से पहले उनकी इस मांग पर गौर नहीं किया जाता तो वे गणतंत्र दिवस के दिन से अगले 5 दिनों तक अनशन पर बैठेंगे। लेकिन उनका ये अनशन कोई ऐसा वैसा अनशन नहीं होगा, बल्कि वे लद्दाख की कपा देने वाली और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल करेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। एक ट्रायल के तौर पर उन्होंने खुले आसमान के नीचे बिताए वक्त की एक वीडियो भी सोशल मीडिया में शेयर की है, जिसमें वे अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। हेलो वर्ल्ड, आई एम अप, गुड मॉर्निंग। इट्स बीन -16.7, close to -17, and with wind chill factor maybe -20. I'm alive and happily up. Thank you for all your support. This test went very well. I was not too uncomfortable, just a little cold at the feet and knees, but all fine and alive. Thank you, and a very good morning to everyone out there. सोशल मीडिया में साझा की गई इस वीडियो में तापमान लगभग -17 डिग्री के आसपास दिख रहा है। लद्दाखी आइकन सोनम वांगचुक ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए जारी किए गए अपने वीडियो संदेश में कहा है कि लद्दाख में कुछ भी ठीक नहीं है। इस अनशन के साथ ही वांगचुक ने भारत सरकार से पारिस्थितिक रूप से नाजुक लद्दाख क्षेत्र में ग्लेशियरों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग की है। उनका ये अनशन इसलिए भी अलग होगा क्योंकि वांगचुक इसे -40 डिग्री टेम्परेचर पर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर खारदुंगला दर्रे पर ये अनशन करेंगे। सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि वे लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। वे अपनी मांग को लेकर 26 जनवरी से 5 दिन के अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि खारदुंगला में अनशन के बाद अगर वे जिंदा बच गए तो फिर से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के डायरेक्टर भी हैं। साल 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।